इंसान एक उल्टे पेड़ के जैसा है जिसकी जड़ें उसके सर की तरफ हैं। ऊर्ध्व मूलम, मूल ऊपर की तरफ, अधो सांक्षम अस्वस्थ प्रामुढ़व्यम। और जो इस ढांचे को समझ जाता है, इस उल्टे पेड़ के ढांचे को समझ जाता है, वो सब कुछ जान जाता है जो कि जानने योग्य है। ऐसा कृष्ण बोलते हैं 15वां अध्याय 1वां श्लोक पुरुषोत्तम योग में, जब अर्जुन पूछता है कि इस मनुष्य का प्रकृति क्या है, क्या नेचर क्या है, क्या ढंग ढांचा है इसका, तो बोलते हैं कि उल्टे पेड़ के जैसा है। तो अगर कोई भी परिवर्तन इस पेड़ में लाना है तो इसके जड़ों में परिवर्तन ले आया जाए, और कोई भी परिवर्तन अगर इंसान में लाना है तो उसके मस्तिष्क में ले आया जाए। मस्तिष्क में ऐसे 50 से 53 जगह ढूंढ लिया कॉर्बियन ब्रॉडमन ने सन 1900 में, जहाँ कि उन्होंने कहा कि हर एक जगह एक खास तरह का काम करता है। उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरा एरिया नंबर 44, ब्रॉडमन एरिया नंबर 44, जो कि फ्रंटल लोब में, यहाँ डैमेज कर दिया जाए तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा। वैसे ही अगर एरिया नंबर 23, जो कि टेम्पोरल लोब में यहाँ कहीं है, इसे अगर चोट पहुँचाया जाए तो आप हिंदी समझते हुए भी तुरंत और कुछ ना समझ पाएंगे हिंदी, क्योंकि समझने की क्षमता खो जाती है। इसका मतलब मैं जो ये हाथ हिला रहा हूँ वो मेरे फ्रंटल लोब के मोटर एरिया नंबर 4 से है, अगर वहाँ डैमेज हो जाए तो हो सकता है मैं हाथ ना हिला पाऊँ या इसी ढंग से ना हिला पाऊँ। ऐसे ही एक स्थिति है जिसे हम प्रमस्तिष्क पक्षाघात कहते हैं या सेरिब्रल पॉल्सी कहते हैं। सेरिब्रल यानी कि ये ऊपर का हिस्सा हमारे मस्तिष्क का, गोभी का फूल ले लें, उसके नीचे का एक डंठल होता है और उसके ऊपर एक फूल होता है। जिस तरह ये ऊपर का फूल निकल आया है गोभी के फूल में, वैसे ही विकास क्रम में पशुओं से जब इंसान बना तो ऊपर का ये कॉर्टेक्स बनाया है, जहाँ की अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ अलग अलग तरह के काम होते हैं, चाहे बोलने के संबंधित हो, समझने के संबंधित हो, हाथ पैर हिलाने के संबंधित हो, या सोचने समझने के हो, ये सारे के सारे इसी के ऊपर होते हैं और इन्हीं को मैप किया था ब्रॉडमन साहब ने। कहने का मतलब यह है कि लगभग 400 से 500 बच्चों में एक बच्चा ऐसा होता है जो कि जन्म के दौरान या जन्म से पहले उसके मस्तिष्क को आघात पहुंचता है, चाहे वो किसी संक्रमण के चलते हो, चाहे वो किसी चोट के चलते हो। उस प्रमस्तिष्कीय आघात के कारण बच्चा अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण रखने की पूरी क्षमता या तो खो देता है, क्वाड्रिप्लेजिक सीपी जिसे हम बोलते हैं, या उसमें किसी न किसी तरह का व्यवधान होता है। कुल 4 तरह के हो जाते हैं, एक स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी, एक अटैक्सिक सेरेब्रल पॉल्सी, एक एथेटॉइड सेरेब्रल पॉल्सी और एक डिस्टोनिक, यानी कि मोटर कंट्रोल या नियंत्रण में किसी न किसी तरह की कमी एक हो जाती है। जब मैं यूँ सीधा बैठा हुआ हूँ तो मुझे कोई जागरूक कोशिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ना ही जब मैं हाथ सीधा रखता हूँ तो मुझे जागरूक कोशिश करने की आवश्यकता पड़ रही है। वजह उसका ये है कि आपो आप मेरा मस्तिष्क, मेरा मोटर कॉर्टेक्स ये तय कर लेता है कि मेरे पेट के तरफ के मांसपेशी कितनी लंबाई में रहें और कितने ज़ोर से पकड़ें, ताकि पेट के तरफ वाले और पीठ के तरफ वाले मांसपेशी एक सही मात्रा में अपना टोन और लेंथ बनाए रखें और मैं सीधा बैठा रहूं। अगर वही बात मेरे कलाई के साथ भी है, अगर मेरे कलाई के ये मांसपेशी ज़्यादा तनाव ले लें और पीछे के मांसपेशी ढीले हो जाएं, तो आपो आप मेरा हाथ यूँ मुड़ने लगेगा। इसे अगर यूँ धक्का दो तो इसमें एक लोच नहीं रहेगी और ये कड़ा हो जाएगा, जिसे हम स्पास्टिसिटी भी बोलते हैं। अगर ये कई दिनों तक ऐसा बना रहे तो इस मांसपेशी में बुनियादी परिवर्तन आ जाएंगे, जोड़ने वाले टेंडन और लिगामेंट्स में भी बुनियादी परिवर्तन आ जाएंगे, इसके जोड़ों में भी हो सकते परिवर्तन आ जाए, और इन्हें हम कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं या वक्र कहते हैं। तो ज़रूरी ये है कि बच्चा जब पैदा हो तो जैसे हमारी दादी माँ माएँ कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ कसरत करवाती थी बच्चों को लेके, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करती थी, वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की जाए, ताकि अगर स्टिफनेस आना भी हो सेरेब्रल पॉल्सी के चलते वो कम हो, और जल्द से जल्द किसी एक फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन या पीएमआर डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि जितने जल्दी आप ये थेरेपी शुरू करेंगे उतने आसार ज़्यादा हैं कि बच्चा अपनी रोज़मर्रे की ज़िंदगी को आराम से कर सकता है और अपने शरीर पर नियंत्रण बेहतर से बेहतर रख सकता है। आज से लगभग 7,000 साल पहले ऐसा एक बच्चा हुआ जिसके शरीर में यूँ 1, 2, 3, 8 वक्र थे या मोड़ थे,
नाम रखा गया अष्टावक्र। उस अष्टावक्र की कहानी हम सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चा अपने अंगों से उठकर कैसे दिव्यता की तरफ पहुंचा और उस समय के सम्राट सम्राट जनक का गुरु बना और महागीता का उपदेश दिया।